तो भाई मैं ये कह रहा था कि जब से इसके प्लेट कटी है ना, तो एबीएस भी ढंग से काम नहीं कर रहा। ब्रेक मारता हूँ ना तो भाई पंप अटक जाता है, और फिर जो करता ना ऐसी तैसी, भाई अगर अचानक से कोई आ गया ना तो इसकी ब्रेक नहीं लगने वाली है। फुल अगर दबा के मारूंगा मैं, इमरजेंसी जो ब्रेक लगाऊंगा अपना, वो कर देगी दिक्कत गाड़ी में। भाई इसमें कुछ दिक्कतें आई थी, जैसे कि एक दिक्कत तो ये आई थी अपनी भाई, जो मेन थी रिले वाली थी, तो जो इसकी सेल्फ की रिले होती है भाई, वो जो है खराब हो गई थी। खराब हुई थी रिले या क्या सीन था पता नहीं। दूसरी चीज ये कि इसका पंखा ऑन हो रहा है बहुत ज्यादा जब से गर्मी स्टार्ट हुई है, और जैसे कि इसमें इंजन लाइट आ रही थी मैंने बताई थी आपको, तो फैन बहुत देर देर तक चल रहा है, और हर 5-6 मिनट पे जब फैन ऑन हो जाता है फिर 1 मिनट के अंदर बंद हो जाता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है अपना जिनवानी से, और आज अपना संडे के दिन। तो भाई आज तो वैसे राइड तो मैं कर नहीं रहा क्योंकि संडे राइड काफ़ी टाइम हो गया भाई, अपन लोग जो है जा ही नहीं पा रहे। ऑफिस स्टार्ट हुआ जब से भाई, तब से टाइम मिलता नहीं संडे राइड वगैरह पे जाने का। तो आज जो है अपन लोग यहीं से व्लॉग शुरू कर रहे हैं। तो पहले बाइक चेक कर लो अपनी भाई, तगड़ी लग रही है कुछ बाइक आज ज़्यादा ही। तो इसमें कुछ जो हमने काम कराया वो दिखाता हूँ कि क्या काम कराया मैंने। तो वीडियो को कर लेते हैं शुरू, और जो काम किया है बाइक में वो दिखाता हूँ। तो भाई आगे हमने जो है कुछ टेपिंग कराई है इसमें, मतलब ये एक जो है वाइट कलर का हमने डिज़ाइन दिया, जिससे एक अच्छा लुक आ रहा है गाड़ी को सामने से, जिसके भी चेक कर सकते हो। देख रहे हो भाई कितना प्यारा लग रहा है देखने में रेड पे वाइट कलर का। और पीछे का जो हमने, जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी टायर अगर हमने हटा रखा है, तो टायर आप देख सकते हो भाई अगर हटा हुआ है, नंबर प्लेट जो है जब से हटी है तो गाड़ी जो है बिल्कुल शार्प हो गई है पीछे से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई। तो ये चेक कर लो, इतनी प्यारी ज़्यादा लग रही है गाड़ी। और आज का मौसम प्यारा तो है वैसे, पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है भाई। और ये अपना हेलमेट स्टील बैट का SBA 20, जिस पे भी कुछ हमने करा रखा है स्टिकरिंग, जैसे कि ये लिखा हुआ है यूट्यूब का चैनल भाई का, और ये सोनाम। पीछे जो है कार्बन फाइबर का जो है करा रखा है टेपिंग स्पॉइलर पे, तो वो भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो भाई आज बात करने वाले हैं अपनी बाइक के बारे में कुछ। हमने जो है काफ़ी को चला दिया और बहुत एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा, कुछ चीज़ें बुरी भी थी, वो सारी चीज़ें बता दूंगा इस वीडियो के अंदर में कि क्या क्या चीज़ें बुरी थी। तो पहले आपको दिखाते हैं कितने किलोमीटर गाड़ी जो चल चुकी है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा 14,931 जो गाड़ी चल चुकी है। तो ये प्रॉपर 14,931 नहीं है, क्योंकि इसमें अपना ABS भी काफ़ी टाइम बंद रहा है, तो मान के चलते हैं। तो भाई जैसे कि मैं बता रहा था ये 14,931 चल गई है, तो वही ABS वगैरह काफ़ी टाइम बंद रहा, तो जो अपनी गाड़ी अगर चली भी होगी तो करीबन ये चल गई होगी 16-17 हज़ार तक चल गई होगी जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ABS बंद रहा था अपना भाई स्टंट वंट करने के चक्कर में, तो उसकी वजह से जो है अपना मीटर चलता नहीं है। अगर हम ABS का फ्यूज़ निकाल देते हैं, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ABS का फ्यूज़ कैसे निकाला जाता है, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा भाई, जिसको ABS बंद नहीं करना आता, ठीक है। तो भाई इसमें कुछ दिक्कतें आई थी, जैसे कि एक दिक्कत तो ये आई थी अपनी भाई, जो मेन थी रिले वाली थी, तो जो इसकी सेल्फ की रिले होती है भाई, वो जो है ख़राब हो गई थी। ख़राब हुई थी रिले या क्या सीन था पता नहीं, तो उसने क्या करा भाई कि इसकी जो है रिले चेंज कर दी, क्योंकि गाड़ी की जो सेल्फ थी ना वो काम करना बंद हो गई थी। तो मतलब 30-40 सेल्फ मार रहे थे तब जाके स्टार्ट हो रही थी, और बैटरी भी जो है शायद इसकी ख़राब हो रही थी उसी वजह से। तो भाई हमने जो है रिले चेंज करा ली, रिले चेंज कराने के बाद भी जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था वो वाला, तो वो मेरे पापा ने ही सॉल्व करा प्रॉब्लम भाई बाइक का। तो वो दिक्कत तो क्या थी वो चीज़ तो मुझे भी नहीं पता, पर इसमें ये था कि जो इसके कनेक्टर थे अपने सेल्फ के रिले के जो कनेक्टर होते हैं, उसके अंदर काफ़ी कार्बन जमा हुआ था भाई। तो कार्बन पहले निकाला हमने, काफ़ी सारा कार्बन जमा हुआ था उसके अंदर में। तो अगर मेरे पे क्लिप होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा या अटैच कर दूंगा, देख लेना इसी वीडियो के अंदर में, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने जो है इसको भाई साफ़ वगैरह किया कार्बन को पूरा। तो कार्बन साफ़ करने के बाद स्टार्ट हुई थी एक दो सेल्फ में, फिर जब हम इसको पैक करने लगे थे बाइक को भाई, इसका ये जो ये वाला पोर्शन होता है ये वाला पार्ट, इसको जब हम पैक करने गए भाई, तो वो दोबारा बंद हो गई गाड़ी। फिर वो मतलब पूरा जो है लाइट चला गया था मीटर वगैरह सारा, तो उसमें कुछ भी ऐसा शो नहीं हो रहा था। फिर हमने जो है इसके अंदर एक सोल्डर वायर होती है एक, तो सोल्डर वायर को जो है इसके कनेक्टर के अंदर में फिट किया हमने। तो उसके बाद से लेके आज तक भाई कोई दिक्कत नहीं आई, या तो जो है इसका कनेक्टर लूज़ होगा ये बोल सकते हैं, क्योंकि सोल्डर वायर जब से लगा है तो आज तक ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है, बंद हुई नहीं है उसके बाद से लेके अभी तक। तो काफ़ी बड़े चल रही है, तो पापा ने जुगाड़ किया था भाई, क्योंकि पापा का तो भाई ये सब चीज़ों के बारे में पता अच्छे से। तो पापा कह रहे रिले भी ख़राब नहीं थी उसकी, कार्बन था और कनेक्टर लूज थे, जिसकी वजह से उसने जो तेरे को एक फालतू का खर्चा चेप दिया। तो भाई ये दिक्कत आई थी एक, और अभी मुझे समझ नहीं आया कि इसमें क्या दिक्कत है भाई,
गाड़ी जो है गर्म हो जा रही है काफ़ी ज़्यादा, और पंखा चलने लग जा रहा है, और एक इंजन की भी चेक लाइट आ रही है इसमें। तो इंजन की लाइट आपको दिखाता हूँ, अगर इसमें अभी दिख रही होगी तो। तो ये देख लो भाई, अभी भी जो इंजन की लाइट आ रही है, एक मिनट पहले इसको ऑन कर लेते हैं। अभी तो चली गई भाई लाइट, अभी तो लाइट चली गई है इसकी, पर जैसी थोड़ी चलती है तो इंजन लाइट आ जाने लग जाती है भाई। तो ये दिक्कत आ रही है गाड़ी के अंदर में। बाकी इसके जो है, तो अभी फ़ोन भाई जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया था, जिसकी वजह से फ़ोन ही बंद हो गया था अपना। रिकॉर्डिंग मैं बोल रहा था और रिकॉर्डिंग बंद हो रखी थी, तो देखा था कि टेम्परेचर का इसमें मैसेज आ गया था। तो अभी उसको जो है थोड़ा कूल डाउन हुआ था, उसके बाद जो है मैंने स्टार्ट किया दोबारा से वीडियो भाई अपना, क्योंकि कवर लगा हुआ था इससे हीट हो गया। तो भाई मैं ये कह रहा था कि अपना जो है दूसरी चीज़ ये कि इसका पंखा ऑन हो रहा है बहुत ज़्यादा जब से गर्मी स्टार्ट हुई है, और जैसे कि इसमें इंजन लाइट आ रही, तो मैंने बताई दी आपको, तो फ़ैन बहुत देर तक चल रहा है, और हर 5-6 मिनट पर जब फ़ैन ऑन हो जाता है, फिर 1 मिनट के अंदर में बंद हो जाता है। तो वैसे मतलब कहते हैं कि अगर फ़ैन अपना बंद हो जा रहा है 1-2 मिनट के अंदर में, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी जो है मैं इसका एक बार भाई कूलेंट जो है सारा निकलवा के फिर से एक नया कूलेंट डलवाऊंगा। इसमें मेरे को कूलेंट पड़ा है मोटीवल का अपना, तो वही जो है मैं इसमें चेंज कर दूँगा कूलेंट अपना। तो अपना जो है फिर ये कि अब तो थोड़ा सा ठीक हो जाए, बाकी जो है गाड़ी की हालत काफ़ी गंदी हो रखी है भाई, तो इसको जो ठीक कराएंगे। बाकी मैं ये कह रहा था भाई, जो अपना डिस्क प्लेट वाला सीन था, तो मैंने जो भाई ध्यान दिया नहीं था, प्लेट जो थी ना इसके कटने लग गए थे, जिसकी वजह से अभी जो है गाड़ी में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो आपको दिख रहा होगा प्लेट पे काफ़ी ज़्यादा लाइन और रगड़ सी दिख रही होगी, एक ये दिख रहा है इतने पोर्शन पे। तो ये सीन है भाई, जब से ये दिक्कत शुरू हुई है भाई, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है ब्रेक में, ब्रेकिंग कम हो रही है गाड़ी की, तो ABS भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। इस चक्कर में ABS भी कभी कभी क्या ब्रेक फंसा देता है अपनी। तो भाई मैं ये कह रहा था कि जब से इसके ये प्लेट कटी है ना, तो ABS भी ढंग से काम नहीं कर रहा, ब्रेक मारता हूँ ना तो भाई पंप अटक जाता है, और फिर जो करता ना ऐसी तैसी भाई, अगर अचानक से कोई आ गया ना तो इसकी ब्रेक नहीं लगने वाली है। फुल अगर दबा के मारूँगा मैं, इमरजेंसी जो ब्रेक लगाऊँगा अपना, वो कर देगी दिक्कत गाड़ी में भाई, क्योंकि ब्रेक ही नहीं लगेंगे ढंग से भाई। और एक दो बार सीन ऐसा हो भी रखा है भाई, तो बहुत देख के चला रहा हूँ अभी तो मैं, और सोच रहा हूँ कि इसका ABS ही बंद रखूँ, मतलब निकाल दूँ फ्यूज़, ताकि ब्रेकिंग अच्छी लगे, पर उसमें भी रिस्क पड़ जाता है, अगर हाई स्पीड में अचानक ब्रेक मार दिए तो वो जो है स्किड करने का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। तो भाई बाकी जैसे मैंने बताया 16-17 हज़ार गाड़ी चल गई है, और आज तक कोई दिक्कत नहीं ऐसी भाई, ये दो एक दो चीज़ें की दिक्कत आई है। तो चलो भाई, थोड़ा बहुत तो देखो गाड़ी करती है दिक्कत, और कुछ चीज़ें हमारी वजह से भी होती है, जैसे डिस्क वाला मैंने बताया, ये तो अपनी खुद की गलती से है। तो बस ये सब था भाई आज की इस वीडियो में। और अगर जिस भी भाई के पास में NS 400 जिसने भी खरीदी हो दिल्ली में, या NS 200 जो नया वाला वेरिएंट आया Gen 3 वाला, तो आप भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, यार एक वीडियो शूट कर लेंगे अपन लोग भी उस बाइक के ऊपर में। तो मैं वेट कर रहा हूँ, अगर किसी भाई के पास में भी हो अपना, तो प्लीज़ जो है एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे से, या आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, तो मैं आपको जो है भाई डायरेक्ट इंस्टा पे से कनेक्ट करके फिर हम गो थ्रू कर लेंगे जैसे भी रहेगा। तो बस ये वाला वीडियो यहीं तक है भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो भाई, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।